मेरा ख्याल है कि पीटीए की लीडरशिप को कुछ क्रैश कोर्सेज लेने चाहिए स्टेट क्राफ्ट में, रियासत किस तरह चलाई जाती है। लेकिन निसार साहब का भी ओपिनियन को ज्यादा वो बोले नहीं है। मियां साहब को उनकी क्लैरिटी ये है कि मुजाकरात होने चाहिए। उनकी किन की मैं समझता हूँ, तमाम सियासी जमातें, आपको याद होगा एएनपी ने अपनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी मुजाकरात की बात की, मौलाना साहब की एपीसी में, तभी सबको मुजाकरात की बात की। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो एएनपी ने करवाई थी, लेट्स बी फेयर एपीसी जो ऑल पार्टी एनपी ने कराई थी, उसका इलामिया था कि मुजाकरात करने चाहिए। साहब एक होता है इस एपीसी का इलामिया है कि मुजाकरात करने, इसलिए कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जिन जमातों की हुक्मरानी है, जिनके पास एक राइट विंग वोट है, और जो स्ट्रीट में पाकिस्तान की गलियों में जो फसाद फैला सकते हैं, या पाकिस्तान के मीडिया में उनके इतने सारे सिंपथाइजर्स हैं। आपको जो एसएमएस आया था कि आप पहले आप भी मुजाकरात की बात करें, फिर आप भी तो मुजाकरात की बात करें। अगर एतमामे मेरी जो इत्तला'आत हैं और मेरी जो मेरा एनालिसिस है, मरकज इस पे 100% नहीं है, उसने दोनों ऑप्शन खुले रखे। आप ये कह रहे हैं कि नून लीग इस चीज पर कन्विंस नहीं है कि मुजाकरात होने चाहिए, लेकिन नून सीसी सियासी प्रेशर में आके जो है वो, असल मुझे बात बताएं, जब फांसी अनाउंस हुई थी कि सारे के सारे क्रिमिनल्स को फांसी दी जाएगी, तो क्या मियां साहब ने पीटीआई के दबाव में आके वो फांसी रुकवा दी थी, या फिर कोई, या फिर जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी कि आप भी अग्यार के डिक्टेशन के खिलाफ है जो तालिबान को एड्रेस किया, तो और हम भी, वो क्या पीटीआई के प्रेशर में था? सर देखिए, दबाव तालिबान के दबाव में और सियासी जमात के दबाव में फर्क रखिए, या तो आइडियोलॉजी वही है, दबाव के शायद मुस्लिम लीग नून का भी वही ओपिनियन है जो तरीके इंसाफ का। मेरा नहीं ख्याल, मैं इमरान खान साहब से हाथ बांध के उनके वो जो वो चाबी वाले उनके बढ़ावे हैं कुछ जो फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं। देखें, जब जमात इस्लामी इस तरह की इसका तकाजा जो है, सर जी ब्रेक के बाद सिर्फ इमरान खान से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, इसका तकाजा पूरी मुस्लिम लीग की लीडरशिप से भी होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी इस चीज से अग्री नहीं करती, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के प्रेशर की वजह से, देखिए इससे तो ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि आप कन्विंस्ड नहीं है अंदर से कि ये। और थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए अपने अफसार साहब से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त अगर आप आज की सूरत हाल देखें तो आपको पता चलेगा कि प्रो तालिबान एटीट्यूड जो है वो चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी पार्लियामेंट में स्पीच सुन लें तो इमरान खान उसके मुकाबले में आपको पिग्मी लगेगा।